जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो आज आप जैसा कि देख सकते हो, आज की वीडियो जो है वो है बॉस के एक 2.1 म्यूजिक सिस्टम के ऊपर। इसका मॉडल नंबर है 321। तो 2.1 का मतलब ये हो गया कि आपको इसमें एक सबवूफर मिलता है एंड दो स्पीकर्स मिलते हैं और एक कंसोल मिलता है। इसे आप प्रीएम्प भी बोल सकते हैं एंड इनबिल्ट डीवीडी प्लेयर भी इसमें दिया गया है। सो आप इसे कंसोल या डीवीडी प्लेयर या कंट्रोल यूनिट भी कह सकते हैं। साथ में आपको इसके ओरिजिनल ये रिमोट मिल जाता है एंड जितनी भी केबल्स इसमें इंटरकनेक्ट केबल्स हैं जो स्पीकर्स को कनेक्ट करने के लिए, सबवूफर से प्रीएम्प्लीफायर को सबवूफर से कनेक्ट करने के लिए जो सभी केबल्स यूज होती हैं वो आपको इसके साथ में ही मिलती हैं। सभी ओरिजिनल केबल्स हैं, रिमोट भी आपको उसके साथ ओरिजिनल ही मिलता है एंड कंडीशन भी बहुत अच्छी है इस सेट की। सो आज आपको मैं इसी के बारे में सारी डिटेल बताने जा रहा हूँ। इसका डेमो भी आपको मैं दूंगा कि इसकी जो वॉइस क्वालिटी है वो कैसी है, थोड़ा अंदाजा आपको लग जाएगा, जिससे कि बाकी जो अफेक्ट होंगे इसकी क्वालिटी के वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा ही करूंगा। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी एंड ऑडियो गुरुजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक ऑडियो गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा बस। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि बॉस अपनी स्पेसिफिकेशन को नहीं बताता है, तो स्पेसिफिकेशन के बारे में तो जानकारी कुछ खास है नहीं सिस्टम के बारे में। सो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, ये मैं टोटली अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बना रहा हूँ। जो मुझे लगा है, जो मुझे पता लगा है, जो एक्सपीरियंस मैंने इसे यूज कर लिया है, वही चीजें मैं आपके साथ में इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक 2.1 सिस्टम है, आपको इसमें दो स्पीकर्स मिलते हैं कुछ इस टाइप के। ये जो स्पीकर्स हैं ये बॉस के ज्वेल क्यूब स्पीकर्स हैं। साथ में ये स्टैंड्स आपको मिलते हैं, अगर आप इनका यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना तो मर्जी है भैया आपकी, ना करो। और साथ में एक एक्टिव सबवूफर तो मिलता ही है। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इसकी वॉटेज के बारे में, तो बॉस ने यार वॉटेज तो देखो डिस्क्लोज नहीं की हुई है, बट अगर हम अंदाज़ा लगाते हैं ना तो इस यूनिट की जो पावर कंजप्शन है वो है 300 वॉट्स और इसे क्लास ए बी में बनाया गया है। सो हम जानते हैं कि अगर क्लास ए बी के अंदर एम्पलीफायर बना है तो उसकी कंजप्शन जितनी आ रही है अप्रॉक्स उतनी तो वो वॉटेज आपको दे ही देता है। तो अगर हम मान के चलते हैं कि इसमें आपको 300 वॉट का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो एक अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि जो टोटल आउटपुट हमें इसमें मिल रही है वो 300 वॉट्स की मिलती है, जिसमें हमें दो स्पीकर्स दिए गए हैं एंड एक हमें मिलता है एक्टिव सबवूफर। एंड ये जो स्पीकर हैं इसके अंदर आपको ड्यूल ड्राइवर दिए गए हैं, दो ड्राइवर होते हैं कुछ इस तरीके से, और पोर्टेड स्पीकर्स होते हैं, पीछे वेंट हॉल दिया होता है इसमें। और ये जो स्पीकर्स हैं इन्हें इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि सिर्फ दो स्पीकर लगाने से ही ना आपको एक काफ़ी बेटर सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस हो जाता है, वर्चुअल सराउंड साउंड जिसे कि हम बोलते हैं उसका एक्सपीरियंस होता है। सो आपको लगता है कि हाँ जो आवाज़ है वो सिर्फ फ्रंट से ही नहीं आ रही, हमें साइडों से भी प्राप्त हो रही है। तो कुछ इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। इन स्पीकर्स की वॉइस क्वालिटी की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो वॉइस क्वालिटी इनकी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप बॉस के बारे में आप जानते ही हैं, बट मैं ये भी बोलता हूँ साथ में कि बॉस जो है वो थोड़ा सा ओवर प्राइज होता है। अगर आप नया सिस्टम ले रहे हो तो तकरीबन 3.5-4 लाख रुपये का अगर आप बॉस का सिस्टम खरीदते हो तो वो एक ओवर प्राइज है, क्योंकि 3-3.5-4 लाख के अंदर आपका बहुत अच्छा सेटअप बन सकता है। बट स्टिल अगर आपको छोटे स्पीकर चाहिए हैं, आप ज़्यादा जगह वगैरह नहीं घेरना चाहते हो, वायरलेस कनेक्टिविटी चाहिए, तो बॉस इज बेटर। तो वॉइस क्वालिटी के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि नॉर्मली इंडिया में सब जानते हैं बॉस एक काफ़ी नॉन ब्रांड है और वॉइस क्वालिटी के बारे में भी सभी को पता है कि इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी होती है। सो यहाँ पर स्पीकर्स का डिज़ाइन जो है वो मैंने आपको बता दिया है एंड ये जो सबवूफर है पोर्टेड डिज़ाइन है, आगे की तरफ हमें वेंट हॉल मिल जाता है एंड इसका जो इंक्लोजर है ना उसे ट्रांसमिशन लाइन में डिजाइन किया गया, यानी कि अंदर की तरफ ड्राइवर दिया गया होता है, उसमें फिर कुछ कर्व्स बनाए गए होते हैं जिससे कि आवाज थोड़ी सी घूमती है और फिर बाहर निकलती है, जिससे जो बेस का इंपैक्ट होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड एक चीज और मैं आपको यहां कहना चाहूंगा कि पर्सनली घर पर मैंने भी ये सिस्टम लगा कर रखा हुआ है, जो हमारा एक जिम का एरिया है छोटा सा हमने बनाया हुआ है घर पर, तो वहाँ पर इसी सिस्टम को मैंने कनेक्ट किया हुआ है, सेम यही मॉडल मेरे घर पर भी लगा हुआ है। और इसीलिए मैं इसकी जो साउंड क्वालिटी है ना उसके बारे में बहुत अच्छे से आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से उसको यूज़ कर रहा हूँ। सो अगर आप एक बेस लवर हैं, आपको एक ज़बरदस्त बेस चाहिए है कि दीवारें हिलाने वाली या बेड शेक करना लग जाए जिससे कि, तो ये सिस्टम जो है ना ये आपको ऐसी बेस प्रोवाइड करता है। आप जज नहीं कर सकते कि इस सबवूफर से इतनी ज़्यादा आउटपुट मिलती है लो फ्रिक्वेंसी में। स्पीकर्स की जो क्वालिटी है वो तो देखो है ही है, वो तो ज़बरदस्त मिल जाती है आपको, साथ ही साथ आपको जो बेस आउटपुट है इसकी जो लो फ्रिक्वेंसी है वो अल्टीमेट मिलती है। अब यहाँ पर ये कितने हर्ट्स को सपोर्ट करता है ऐसा कुछ बॉस ने नहीं बताया, बट मैंने इस पर कुछ ट्रैक्स यूज़ किए हैं जो कि 20 हर्ट्स तक डाउन जाते हैं, तो उस 20 हर्ट्स तक में भी जब मैंने इसे प्ले किया है तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं लगा कर चलता हूँ तो 25 हर्ट्स तक की जो आवाज़ है
वो मेरे को सुनाई दी है, वो मतलब वो जो बेस है वो मुझे फील हुआ है। बाकी 20 हर्ट्ज से बिलो अगर हम जाते हैं तो वो हमारे कान तो नहीं सुन सकते, बट एक अंदाज़ा हमें लगता है क्योंकि जो आसपास की चीज़ें होती है ना वो थोड़ा सा शेक होनी शुरू हो जाती हैं, तो अंदाज़ा पता लग जाता है कि हाँ ये सपोर्ट कर रहे हैं। सो एक्चुअल किस फ्रिक्वेंसी तक को ये सपोर्ट करता है ये हमें नहीं पता, बट 25 हर्ट्ज तक तो मैंने इसे सुन लिया है तो मुझे पता लगा है कि हाँ 25 हर्ट्ज तक तो ये काम कर रहा है। एंड यहाँ कनेक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको ब्लूटूथ का सपोर्ट नहीं मिलता है, बट आप एक वायरलेस ब्लूटूथ अडाप्टर यूज़ कर सकते हैं। जो घर पर मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें भी मैंने वायरलेस अडाप्टर ही लगाया हुआ है। आप टीपी लिंक का एक अडाप्टर आता है, आई थिंक 1500 या 1600 के आसपास आपको वो अमेजोन पे मिल जाएगा, सो आप उसका यूज़ कर सकते हो, उससे काफ़ी सही क्वालिटी आपको मिल जाती है। तो आप अगर ब्लूटूथ यूज़ करना चाहते हो तो उस अडाप्टर को यूज़ कर आप इस पर ब्लूटूथ भी यूज़ कर सकते हो। एंड ये जो कॉन्सोल है आपका, इसके अंदर आपको बिल्ट इन डीवीडी प्लेयर भी मिलता है, सो अगर आपके पास में पुरानी डीवीडीज हैं आप उनका यूज़ करना चाहते हो तो आप उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आपको HDMI आउटपुट भी मिल जाता है, सो आप इसे अपने टीवी से कनेक्ट कर सकते हो, तो जब आप इसमें DVDs को प्ले करोगे तो HDMI के थ्रू जो वीडियो है वो आपके टीवी पे चली जाएगी और ऑडियो तो ये देगा ही देगा आपको। एंड अगर आप चाहते हो इसे टीवी से कनेक्ट करना तो आप वो भी कर सकते हो, आपके टीवी के अंदर अगर ऑप्टिकल आउट दिया गया है सो आप ऑप्टिकल के ज़रिए इसे कनेक्ट कर सकते हो अपने टीवी के साथ में। एंड अगर आप FM वगैरह सुनते हो, बिकॉज ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं सुनता हूँ, तो अगर आप एक FM वगैरह भी सुनने वाले बंदे हो तो आपको इस पे FM का भी सपोर्ट मिलता है। AM एंड FM दोनों का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है। पीछे एंटीना लगाने के लिए स्लॉट दिए गए हैं, तो वहाँ पर एक केबल को कनेक्ट कर आप बाहर की तरफ कहीं छोड़ सकते हो, जहाँ भी सिग्नल आ रहा हो आप उसे अपने तरीके से कहीं भी लगा सकते हो। एंड साथ ही आपको इसमें 3 एनालॉग इनपुट्स भी मिल जाते हैं, सो आप कोई भी ऐसी डिवाइस लगाना चाहते हो जो कि एनालॉग है, जिसमें कि स्टीरियो आउटपुट दी गई है, तो ऐसी 3 डिवाइसेस को आप इस पे कनेक्ट कर सकते हो। सो क्वालिटी जो आपको मिलती है वो काफी जबरदस्त इसमें मिलती है, और आप ये डेमोज को सुनिए, उसके बाद मैं फिर आपसे मिलता हूं, थोड़ा सा अंदाजा आपको लग जाएगा कि जो वॉइस क्वालिटी है वो किस तरह की आपको मिलती है, किस तरह का साउंड सिग्नेचर आपको इसमें मिलता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देख लिया है कि किस तरीके की आउटपुट आपको यहाँ मिल रही है। सो अभी वीडियो में बहुत ज़्यादा समझ तो नहीं आएगा, बट जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि काफ़ी ज़बरदस्त आपको इसमें परफॉर्मेंस मिलती है। और जो लो फ्रिक्वेंसी चाहते हैं लोग, जिन्हें लो फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा चाहिए है, भैया बर्तन हिलाने हैं उन्होंने पड़ोसियों के, तो ये सबवूफर सच में ऐसी ही आउटपुट आपको देता है। मैंने बहुत से ट्रैक्स इसमें यूज़ किए हैं, अभी सभी ट्रैक्स तो हम डेमो पर डाल नहीं सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त आवाज़ मतलब कि मुझे इसमें मिली है।
एंड यहाँ अगर दोस्तों मैं प्राइस की बात करता हूँ ना, तो इसका प्राइस हमने रखा है 35,000 रुपीस, और ये टोटली बॉस का जेन्युइन मॉडल है। यहाँ जेन्युइन का यूज़ जो मैं कर रहा हूँ वो किसी वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर इसके जो कॉपी स्पीकर्स हैं वो भी मिल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी जब आप सुनोगे तो आपको बहुत बेटर लगेगी, बट जब आप उसे ओरिजिनल से कंपेयर करोगे ना तब आपको पता लगेगा कि बहुत ज़्यादा फर्क आपको मिल रहा है। एंड वो जो कॉपी वाले सिस्टम्स हैं वो आपको 15,000 रुपये के आसपास में मिल जाएंगे। सो इसलिए मैंने ये बात बोली है कि ओरिजिनल है ये। सो आपको ये 35,000 रुपीज़ में मिलता है, इसमें शिपिंग के चार्जेस इंक्लूडेड नहीं होते हैं, उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है, एंड पैकिंग के जो चार्जेस हैं वो भी आपको अलग से पे करना पड़ते हैं। सो अगर आप में से कोई भी इसे लेना चाहता हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर हमारी सेल्स टीम से भी बात कर सकते हैं। एंड अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पर और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो नहीं किया है, सो आप वहां पर भी हमें फॉलो कर लीजिए, जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यही था, अभी मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, फिर मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आपका कोई क्वेश्चन है अगर तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। सो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।